नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, एक ताजा खबर की। खबर यह है कि सरसों में बाकी किसी भी ऑयल को मिलाने की जो इजाजत थी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर, उसको सरकार ने रोका था। उसके लिए ऑर्डर जारी किया गया था कि अब प्योर मस्टर्ड का ऑयल ही बिकेगा, किसी और ऑयल के साथ मिलकर वैसा कोई ब्रांड नहीं आएगा और मस्टर्ड का सिर्फ प्योर ब्रांड ही बिकेगा। ये ऑर्डर सरकार ने जारी किया था और ये 1 अक्टूबर से लागू होना था, यानी कल से लागू होना था। कल से कोई मिलावट नहीं होगी और सिर्फ प्योर सरसों का तेल ही बिकेगा। लेकिन इसके खिलाफ कुछ कंपनियों ने आपत्ति दर्ज की और उनकी ये दलील थी कि अचानक सरकार के इस आदेश से उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि उनका एक लंबा प्रोसेस होता है पैकेजिंग का, प्रोक्योरमेंट का। तो जिन लोगों ने खरीद लिया है, स्टॉक इनके पास है, या जो लोग पैकिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा। तो इसी के खिलाफ कुछ कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज ऐसे ही मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से एक कंपनी को स्टे ऑर्डर मिल गया है अगली सुनवाई तक के लिए। और अगली सुनवाई शायद दिसंबर के महीने में होगी। तो तब तक स्टे ऑर्डर मिलने का मतलब यह है कि तब तक उनकी पैकिंग जारी रहेगी, ब्लेंडिंग कंटिन्यू रहेगी। इसका क्या मतलब है, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ विजय डेटा जुड़ रहे हैं, एमडी हैं विजय सॉल्वेक्स के। स्कूटर ब्रांड आप जानते होंगे ऑयल का, वो आता है मार्केट में, उसी के हेड हैं हमारे डेटा जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने 23 तारीख की शाम को जो वेबसाइट पे ऑर्डर डायरेक्शंस डाली थी कि 1 अक्टूबर से मस्टर्ड ऑयल का ब्लेंड नहीं किया जाएगा, ये ऑर्डर किसी भी तरीके से गलत था। कारण क्या है कि जो चीज़ ब्लेंडिंग देश में 28 साल से चल रही है और किसी भी इंडस्ट्री को आप 7 दिन के नोटिस में, 7 दिन भी पूरे नहीं मिले और इसमें वर्किंग डेज तो 5 ही थे, कोई वर्क इंडस्ट्री 28 साल से चल रही है, किसी का कितना टर्नओवर है, उसके पास कितना पैकिंग मटेरियल है, किसके पास कितना सामान रखा हुआ है, कितना लोगों को ऑर्डर दिए हुए हैं, कितनी मैन पावर लगी हुई है, तो ये ऑर्डर अपने आप में ही गलत था। दूसरे, इसकी लैंग्वेज भी जो थी उसमें साफ लिखा हुआ था, क्योंकि केंद्र सरकार मस्टर्ड की ब्लेंडिंग बंद करना चाहती है और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है, उसके नोटिफिकेशन में टाइम लगेगा, इन द मीन टाइम 7 दिन के बाद आप कोई ब्लेंडिंग नहीं करेंगे। ये ऑर्डर पूरी तरीके से कानून की नज़रों में गलत था, हमारी नज़रों में भी गलत था, इसलिए जो भी कोर्ट में गए उन लोगों को तुरंत कोर्ट ने स्टे दे दिया है, एक्सपार्टी स्टे एक तरीके से दे दिया है। और ये क्योंकि ये आदेश बिल्कुल ही गलत था, इस तरीके के आदेश किसी भी इंडस्ट्री को, जिसमें न तो कोई नेशनल कोई सिक्योरिटी सेफ्टी को का इशू था, न कोई पब्लिक एट लार्ज के कोई इशू था, न कोई देश में कोई कैजुअल्टी हुई है ब्लेंडेड ऑयल खाने से मस्टर्ड का। तो नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये ब्लेंडिंग का आदेश, ब्लेंडिंग रोकने का आदेश गलत है या जो टाइम दिया गया है वो कम है? ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर मान लीजिए 2-3 महीने का वक्त दे दिया जाए तब तो आदेश ठीक है ना? देखिए, इसका एक प्रोसीजर होता है आदेश का, उसने खुद ने ही उस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार नोटिफिकेशन लाएगी और पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आता है पब्लिक से, उसमें ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं, यदि किसी को ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, उसके बाद में भी वो लोग अपने कमेटी बना करके उसमें डिसीजन लेते हैं और उसके बाद में भी फैक्ट्री को बंद करने के लिए समुचित टाइम दिया जाता है 3 या 6 महीने का किसी भी कानून को बनाने के लिए, क्योंकि चलती हुई इंडस्ट्री को आप ऐसे 7 दिन के नोटिस में बंद नहीं कर सकते जिसमें कोई भी नेशन एट लार्ज का लॉस नहीं हो रहा हो। नहीं, नेशन एट लार्ज का लॉस इस सिलसिले में बताया गया था कि चूंकि सरसों के दाम बहुत बढ़ गए थे तो ब्लेंडिंग तो ठीक है लेकिन एडल्ट्रेशन का खतरा बढ़ रहा था। और ये कहा जा रहा था चूंकि सरसों के दाम बढ़ गए हैं तो अब घटिया क्वालिटी की मिलावट यहाँ पर हो सकती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ये आशंका जाहिर की गई थी
और उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए मृत्युंजय जी, मैं तो सिर्फ 23 सितंबर के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ जो उसमें लिखा हुआ है। कोई लोग क्या कह रहे हैं सरसों में तेजी क्यों आई है, सरसों की तेजी के बारे में तो मैं बार बार स्टेटमेंट दे चुका हूँ। सरसों में तेजी आने का कारण बिल्कुल अलग है। कोरोना का इस साल में वैसे सरसों तेल की डिमांड 15-20% बढ़ गई, सरसों की शॉर्टेज आ गई, उसलिए तेजी आ गई। और ये नोटिफिकेशन से पहले 40% तेजी आ चुकी है। उसका कारण ये नहीं है कि भाई सरसों तेल, क्योंकि सरसों तेल की खपत बढ़ गई इसलिए तेजी आई थी। देखिए मैं आपको रीजन बताता हूँ, सरसों और चूँकि सप्लाई टाइट थी और अभी भी सरसों की सप्लाई टाइट है। और दूसरी बात, जहां तक ब्लेंडिंग और अल्ट्रेशन का, ये दोनों शब्द कंफ्यूजिंग है। देखिए मैं बताता हूँ, ब्लेंडिंग सरकारी तरीके से अलाउड होती है, 28 साल से पूरे देश में 500 तरीके के ब्लेंडिंग अलाउड है, और सरसों तेल के नहीं। आप देखिए मसालों के ब्लेंडेड ऑयल, ब्लेंडेड मसाले मिलते हैं, ब्लेंडेड आटा मिलता है, ब्लेंडेड और चीजें मिलती है, ब्लेंडेड अचार। कोई आप कोई कहो सब एक ही चीज का अचार बनेगा, ये थोड़ी है संभव। ये तो बात लॉजिक की नहीं। और कोई सरसों तेल प्योर थोड़ी पिया जाता है, सरसों तेल कोई भी खाएगा तो किसी अचार में, सब्जी में डालेगा, अचार में डालेगा, तो खाली सरसों तेल थोड़ी खाएगा। ये प्योर के नाम पे भ्रम फैलाया जा रहा है, सरसों तेल अकेला कभी नहीं खाया जाता। और सबसे बड़ी बात ये, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने देश में ब्लेंडिंग को बैन नहीं किया है। उन्होंने कहा है सिर्फ मस्टर्ड की ब्लेंडिंग बंद हो और दूसरे 50 तेलों की ब्लेंडिंग चालू है। सिर्फ मस्टर्ड की ब्लेंडिंग बंद क्यों की जाए, उसके लिए उन्होंने उस डायरेक्शन में कोई रीजन नहीं दिया था। मेरा मतलब सिर्फ उस डायरेक्शन से है जो 23 सितंबर का था। चलिए ओके जी जी, बहुत शुक्रिया विजय डेटा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। तो दोनों खबर हमने आपको पहले दिखाई जब ये आदेश आया था सरकार का कि ब्लेंडिंग बंद होगा 1 अक्टूबर से, तब भी हमने आपको पहले खबर दिखाई थी। अब इसका विरोध हुआ, स्टे ऑर्डर मिल रहा है, ये खबर भी आप सबसे पहले जी बिजनेस पर देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डेटा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। सोने का भाव इस वक्त 400 रुपए से ज्यादा नीचे है और चांदी में 1800 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। ये गिरावट क्या आज शाम के कारोबार में और बढ़ेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन एक्सपर्ट हैं। वीरेन वकील हैं पैराडाइम कम्युनिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के और मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। वीरेन जी बताएं सर, क्या गोल्ड और सिल्वर की ये गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख रही है? थोड़ी नीचे जाएगा मार्केट, करीबन 49,800 तक जाना चाहिए, यहाँ से 200-300 रुपए की गिरावट दिख रही है मुझे। वैसे तो ये सीमित दायरे का बाजार है, इनहेरेंट वोलेटिलिटी के हिसाब से जो बैंड में रहेगा वो 49,800 और ऊपर में 50-800, यानी 1000 की दायरे में रहेगा मार्केट। अच्छा ठीक है, तो आज शाम के मार्केट में भाविक पटेल जी किस तरह का ट्रेड लिया जाए? मैं गोल्ड से ही शुरुआत करता हूँ। गोल्ड का भाव 400 रुपए नीचे है और 50,272 का स्तर दिख रहा है, इस भाव पर शाम के कारोबार में क्या ट्रेड लिया जाए? शाम के ट्रेड के लिए मुझे लग रहा है कि गोल्ड अगर 50,100 से 50,050 के करीब आता है, क्योंकि 6 बजे US का GDP डेटा भी है, तो मैं वो भी फैक्टर इन करूंगा कि जब डेटा आएगा तो आई थिंक 100-150 रुपए की हमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक 50,050 के करीब आता है तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 49,900 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 50,450 का। हालांकि डेटा है तो मैं वो भी जरूर से कहना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस है वो जरूर से मेनटेन कीजिए, क्योंकि आज ADP का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है तो आज थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है। ठीक है मनोज जी, आप बताएं आपके हिसाब से गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लिया जाए? नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल 2 दिन की तेजी के बाद एक हल्का करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बार थोड़ी मजबूती देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 50,100 यहाँ एक स्ट्रांग सपोर्ट है और वहां से फिर कीमतें एक बार रिबाउंड हो सकती है, तो शाम के सत्र में 50,100 के अगर स्तर मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। 49,920 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 50,500 तक का यहाँ पे एक बार फिर से स्तर जो है वो शाम तक देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड की, लेकिन गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में चांदी में गिरावट ज्यादा है और चांदी के दाम 1800 रुपए तक गिर चुके हैं। बीरेन जी आपको क्या लगता है, चांदी में अभी और गिरावट बाकी है और दाम गिरेंगे?
सिल्वर में कल मार्केट काफ़ी तेज हुआ था, प्रोबेबली 3% जैसा जंप था, तो नेचुरली आज इसकी गिरावट भी थोड़ी ज़्यादा है। वैसे ये भी जो हम देख रहे हैं ना, तो उसमें जिंक और सिल्वर ये रिस्क ऑन कमोडिटी माना जाता है, और उसमें शायद आप बिटकॉइन भी कंसिडर कर सकते हो। ये तीनों एक साथ चलते हैं, यानी बाजार में एकदम डर का माहौल है तो चांदी अंडर परफॉर्म करेगी, और रिस्क ऑन यानी मार्केट पैनिक फ्री हो जाएगा तो आउट परफॉर्म करेगी। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई बिडेन और ट्रंप के बीच की, वो काफ़ी चिंताजनक डिबेट है, तो मार्केट थोड़ा नर्वस हो गया है कि आने वाले चुनाव को लिए, तो इसलिए मैं प्रॉफिट टेकिंग दोनों में देखा गया वो मेन वजह मैं डिबेट को मानता हूँ। अच्छा, मेन वजह आप डिबेट समझ रहे हैं, डिबेट में आपको चिंताजनक क्या लगा सर? ये लगा कि ट्रंप साहब ने ऐसा कहा कि इलेक्शन अगर फेयर नहीं रही तो मेरे सपोर्टर सड़क पर आ सकते हैं, ऐसा इशारा अगर कोई प्रेसिडेंट बोले, और फेयर इलेक्शन का डेफिनेशन तो ट्रंप साहब नक्की करेंगे ना। ट्रंप साहब नक्की करेंगे, लेकिन अगर ये बात ट्रंप साहब कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन अगर नहीं हुआ तो उनके समर्थक सड़क पर आएंगे, तो कोई ऐसा तो नहीं कि ट्रंप साहब को हारने का खतरा लग रहा हो और इसलिए उन्होंने पहले ये बयान दे दिया है? और अगर मान लीजिए ऐसा होता है और नई सरकार अमेरिका में बनती है, तो उनकी पॉलिसी भी तो अलग होगी ना ट्रंप से, तो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा क्या मार्केट के ऊपर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखी तो ये डिबेट से मेरा जो मानना है वो मुझे क्लियर लग रहा है कि ट्रंप साहब की विक्ट्री के चांसेस 80% लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये राय आपकी चांदी पर, लेकिन ट्रेड क्या लिया जाए? 60,730 ये एमसीएक्स पर चांदी का करंट मार्केट प्राइस है, करीब करीब 2.3% नीचे है, 1700 रुपए से ज्यादा की गिरावट है चांदी में। बताइए भावी क्या किया जाए इस भाव पर चांदी में? मृत्युंजय जी, अगर सेफ ट्रेड लेना हो तो चांदी अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज देखे गोल्ड तो -0.6% और चांदी अगर देखें तो 2.6% से ज़्यादा गिरावट है। और अगर टेक्निकली भी इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं चार्ट शॉर्ट टर्म में भी देखूं तो लोअर हाई बना रहा है, तो जो एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ट्रेंड थोड़ा वीक है। आई थिंक जब तक वो 61,300 के ऊपर नहीं जाता है तब तक शॉर्ट ही रहना चाहिए। तो आई थिंक अगर किसी को लॉन्ग करना है तो 61,300 के ऊपर ही कीजिए, वरना लॉन्ग कर सकते वरना शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं 60,400 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 61,300 का। मनोज जी आप बताएं, मनोज जी पोजिशनल ट्रेड क्या लिया जाए चांदी में? पोजिशनल के लिए मेरा मानना है कि 60,000 से 60,500 के रेंजेस में जो है वो एक अच्छी बेट होगी, क्योंकि हमने देखा है कि निचले स्तरों से यहाँ बार बार सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड करना है तो 60,500 पे भी ले सकते हैं, थोड़ा पोजिशनल लेना है तो 60,500 से 60,000 की रेंजेस में ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आज से कल तक में एक बार फिर से 61,500 61,600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए आज से कल तक के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो एक 59,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, थोड़ा जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां फिर एक बार 58,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कीमतें फिर एक बार 63,500 तक के स्तर दिखा सकती है। और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर में फिलहाल की रेट पे क्या पोजीशन बनानी चाहिए? मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, क्या फायदे का सौदा रहेगा क्या? कॉपर में आप शॉर्ट करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि फायदे का सौदा रहेगा क्या? बताइए भाविक जी क्या करना चाहिए, इनको शॉर्ट करना चाहिए क्या? देखिए कल का भी हाई 521 है और आज भी अगर देखें तो दो बार 521 से ही थोड़े सेलिंग प्रेशर आ चुका है, तो आई थिंक सेफ साइड रहेगा कि 522 के ऊपर जाता है तो ही कॉपर में थोड़ी बहुत अपसाइड मोमेंटम दिख सकती है। आई थिंक जब तक 522-50 के ऊपर नहीं जाता तब तक एटलीस्ट मान सकते हैं कि नीचे 516 से 515 तक आ सकता है, तो
तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 522 के स्टॉप लॉस से, टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे के लिए 515 का। ओके, अगला सवाल है अशोक कुमार का, गंगानगर से हैं हमारे साथ, पूछिए अशोक जी। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल है ग्वार 4500 से कब जा सकता है और चना 6000? चना तो देखिए बहुत तेजी से ऊपर गया है, 5500 के भी ऊपर चला गया है, ग्वार नहीं बढ़ पा रहा है। तो बताइए बीरेन जी, इन दोनों कमोडिटी पर तो आप अच्छी पकड़ रखते हैं, बताइए चना 6000 और ग्वार 4500 कब तक? चना के फंडामेंटल टेक्निकल दोनों तेजी के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी मुझे एक चिंता की बात, हल्की सी फिक्र ये है कि 10 में से 10 लोग चना में तेजी है और सब लोग 6000 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसमें बाइंग से डरता हूँ, शायद करेक्शन इसमें आ सकता है। ग्वार में मैं बाइंग प्रिफर करूंगा, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट कितने लोग कम कर देंगे बात करना जो आ जाएंगे आप 6000 में? जितने फोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं 6000 6200 6500 ऐसा ही फोन आ रहे हैं चना के लिए, तो मार्केट में एक पुरानी जापानी कहावत है कि इफ एवरीबॉडी इज बुलिश बी फुलिश, तो मैं उसके हिसाब से चना बाइंग कम प्रेफर करता। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ग्वार सर, ग्वार में 4500, यहाँ तो कोई फोन नहीं आ रहा है ना 4500 के लिए? ग्वार में तो अब हैबिचुअल हो गया हूँ 5000 के नंबर से, अब भी हो भी हैबिचुअल हो गया, मैं भी हैबिचुअल हो गया हूँ। यहाँ 3780-3800 पे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट हम बाय कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य हम 4050 रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 3690 रख सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए कि ग्वार और चना, हालांकि बीरेन जी कह रहे हैं कि चना 6000 तक जाने की संभावना फिलहाल अभी नहीं दिख रही है। अगला सवाल है सतीश का, पूछिए सतीश जी। सर मैंने 58700 में 3 सिल्वर सेल करी हुई है, रेट मेरे द्वारा आ पाएंगे? ये आएंगे तो कब तक? अच्छा, मैं वेट करूँ या निकल जाऊँ? 58700 में आपने बेचा है, ओहो दाम ऊपर आ गए हैं। बताइए भाविक जी, 58700 पर इनकी बिकवाली है चांदी में, हालांकि ट्रेंड तो आज गिरावट का है, इनको वेट करना चाहिए क्या? जी जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से चांदी में गिरावट आई थी 68000 से करीबन 55000, उसके बाद बट ऑब्वियसली कि थोड़ी बहुत रैली भी आनी चाहिए थी और एक्चुअली आ भी चुकी है, आज के दिन भी मुझे थोड़ी बहुत वीक ही लग रही है, तो उनको 67000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ही निकल जाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, तो वो थोड़ा बहुत बुलिश है, बट आई थिंक जब तक 63000 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, तो 63000 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से बने रहिए, नीचे अगर वापस 58000 के करीब आता है तो निकल जाइए, क्योंकि ज़्यादा सेलिंग भी नहीं लग रही, अनलेस उनके कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो वहाँ से वो निकल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है विजय का, पूछिए विजय जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, नेचुरल गैस में काफी करेक्शन आ चुका है, मैंने 85 पे जो है सेल कर रखा है, तो कितना अभी क्या और डाउन जाएगा मार्केट? विजय जी क्या आउटलुक है आपका नेचुरल गैस पर? ब्यूटीफुल कमोडिटी है और अगर इसका बदला, ब्याज बदला, कैरी प्रीमियम जो देखे ना तो लगभग 40 रुपया हो गया है, यानी अक्टूबर से नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 40 रुपया महंगा है। जब इतनी हाई प्रीमियम होती है ब्याज बदला, तो इसका मतलब ये है कि इसका बायर एक्सट्रीमली कमजोर है, तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके शायद ये 150-155 आएगा, डी एटम हम 160-165 भी देख सकते हैं, इसमें बाय साइड से बचना चाहिए क्योंकि बेहद कमजोर कमोडिटी है ये। ठीक बात है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर बचकर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, जिंक और लेड, ये दो काउंटर आज शाम के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है भाविक?
जिंक में थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि कल भी अगर देखें तो अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिली है, और आज भी देखें इंट्राडे तो 190.15 के लो से एक अच्छी रैली आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि जिंक में मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 191.10 के करीब अगर आती है तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट रख सकते हैं 193-194 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 189.40 का। ठीक है, तो ये रहा है आपकी मेटल में। अगला सवाल आ रहा है वाराणसी से, पूछिए। नमस्ते सर। हेलो, नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल है गोल्ड पे, मैंने 50-100 में, सुन रहा हूँ, पूछे। मैंने कल 50-100 में बाई किया था गोल्ड, 3 लॉट, तो और ये वीक के लिए क्या रहेगा टारगेट ऊपर में, कहाँ तक जाके मैं निकलूं? 50-100 में आपने दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लिया था? हाँ। ठीक है, 50-100, 252 का लेवल है, फायदे में तो आप हैं ही, हालांकि कल 700 के ऊपर भी भाव गया था। क्या रुकना चाहिए इनको, क्या बीरेन जी अभी गोल्ड में 50,250 के ऊपर है भाव, रुके रहेंगे तो क्या ठीक रहेगा इनके लिए? काम कर सकते हैं, एक लॉट वो 50,300 के आसपास निकाल सकते हैं, दूसरा 50,500 पे, और तीसरा होल्ड करके रखना। ओके, ठीक है, तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं जिंक अक्टूबर है वो रिकमेंड करूंगा बाय के लिए 193.50 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 189.40 का। ओके, ठीक है, आपकी कॉल बीरेन जी। मैं अक्टूबर कॉटन शॉर्ट प्रेफर करूंगा 18,200 पे, 18,400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 17,900 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं बाय की रिकमेंड करूंगा 50,100 के करीब, टारगेट 50,450 और स्टॉप लॉस 49,900। ओके, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।